तो अब हम पहुंच गए हैं भीम द्वार पे। ये चूंकि इतना भीमकाय द्वार है, इतना भीमकाय द्वार है कि ये कह सकते हैं कि भीम द्वार। दूसरी कथा जो मैंने पढ़ी थी वो ये थी कि वनवास के दौरान पांडव यहाँ पे थे और द्रौपदी को वो मिला था सौगंधिक कमल का फूल, जिसको लेने के लिए भीम जो है सो कि गए थे। और उसके बाद हनुमान ने उनको शिक्षा दी थी पूछ हटाने का, जबकि जो घटना हुई थी महाभारत में, तो वो इसी द्वार से गए थे या इसी रास्ते से गए थे, तो उसके लिए उन्होंने वो बनाया, इसलिए ये भीम द्वार कहलाता है। आगे और कुछ है नहीं, ये रुइंस। कुछ विशेष तो दिखा नहीं, हाँ वो बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे एक कुछ तो प्रतिमा दिखी थी, हवन कुंड है और ये भीम कहीं लगता है ये। हाँ सेम वही कथा, वो फूल लिए हुए और हाथ में गदा, वो भीम कहीं की प्रतिमा है। और ये एक सामने कुंड, द्रौपदी के कहने पे भीम ने दुनिया हिला दी थी। थोड़ा सा जो है गड़बड़ है, यही है भीम द्वार और ये रुइंस। एक बार और भीम द्वार का अच्छे से ले लिया जाए। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से देखिए पूरा आ रहा है उसमें, दिख रहा है, ये है भीम द्वार।